लक्ष्मी जी की सच्ची कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक 12 वर्ष की लड़की थी। उस ब्राह्मण के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ को पानी से सींचने जाती थी। पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी रोज प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की लड़की से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर क्या बताऊंगी। ब्राह्मण की लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से यह बात बताई। तब वह ब्राह्मण बोला, बेटी वह तो साक्षात लक्ष्मी जी थी, तुम कल जाकर लक्ष्मी जी की सहेली बन जाना। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आए और कहा, तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा। लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा कि तुम कल जाकर उसकी सहेली बन जाना। इस तरह से वह दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उस लड़की को अपने घर खाने का न्योता दिया। वह लड़की अपने घर आई और अपने पिताजी को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। वह लड़की अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला भेंट किया, रुपए दिए, उसे सोने से बनी चौकी पर बिठाया, सोने की थाली और चांदी की कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर खाना खिलाया। जब वह लड़की अपने घर के लिए रवाना होने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी तुम्हारे घर जीवने आऊंगी। उसने कहा, ठीक है, जरूर आना। घर आने के बाद वह लड़की उदास होकर कुछ सोच में पड़ गई। उसके पिताजी ने पूछा, सहेली के यहाँ जीम कर आई तो उदास क्यों हो। उसने अपने पिताजी को कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया, अब वो हमारे यहाँ आएगी तो मैं उसे कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा, तू चिंता मत कर, बस तू घर की साफ सफाई अच्छे से करके मिट्टी और गोबर से आंगन को लिप कर लक्ष्मी जी के सामने एक चारमुख वाला मिट्टी का दीपक जलाकर रख देना, सब ठीक होगा। वह लड़की दीपक जलाकर बैठी थी। उसी वक्त संयोग से एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजे से वह हार छूटकर लड़की के पास आकर गिरा। लड़की हार को देखने लगी। उसने अपने पिताजी को वह हार दिखाया। थोड़ी देर बाद बाहर शोर हो रहा था कि एक चील और रानी का नौलखा हार उड़ा ले गई है, किसी को मिले तो राजा को लौटा देना। एक बार तो पिता और बेटी के मन में विचार आया कि इसे बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का प्रबंध हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उसके पिताजी ने लड़की को कहा, यह हार हम रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के अच्छे भोजन के लिए धन तो नहीं, पर हम पूरा मान सम्मान देंगे। उन्होंने हार राजा को लौटा दिया तो राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि मेरी लड़की की सहेली के स्वागत के लिए शान दुशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली, चांदी की कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने तुरंत उनकी व्यवस्था करवा दी। उस लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बुलाया। लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी राजा महाराजा की चौकी पर भी नहीं बैठती। उस लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पर बैठ गए। लड़की ने बहुत आदर सत्कार के साथ और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने जब विदा मांगी तो उस लड़की ने कहा, अभी रुको, मैं लौट कर आऊं तब जाना, और वह लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी इंतजार करती रही। लक्ष्मी जी के वहां होने से घर में धन धान्य का भंडार भर गया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की बेटी का निमंत्रण स्वीकार करके भोजन किया और उसे धनवान बनाया, उसी प्रकार हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करके हमारे घर पधारें और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। वीडियो अगर पसंद आया रहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।